YouTube channel Study with Sonal. I hope you all guys are doing good. And today I am here with a very interesting trick. And that is what? To find the square of any number. And this video is going to be useful for school students, for kids also, and for college students also. And actually this is very useful for the students who are going to give CAT exams and competitive exams, okay? So within 5 seconds, yes, within 5 seconds you can tell me the square of any number. Let's see how. Okay, so suppose I have one number here, 32. Uska square humko find out karna hai. 32 ka square. Baaki sabne abhi tak find out kar bhi liya hoga. You can do that, right? Sabko aata hai. But yahan pe kya trick hai jiske वजह से वी कैन टेल द आंसर जस्ट सीइंग द क्वेश्चन ओनली. क्वेश्चन देख के हम आंसर बता सकते हैं. लेट्स सी. ओके, ध्यान से देखना. सो व्हाट डू यू हैव टू डू. थ्री का स्क्वायर सबको पता है, थ्री का स्क्वायर इज 9. बट हमको क्या करना है, टू डिजिट फॉर्म में लिखना है. किस फॉर्म में लिखना है, टू डिजिट फॉर्म. तो पीछे तो नहीं लगा सकती मैं 0. आई कैन पुट 0 इन द फ्रंट ऑफ द 9, क्योंकि 09 इज 9 ओनली. ओके, नाउ टू का स्क्वायर इज व्हाट, 4, अगेन इन टू डिजिट फॉर्म. ठीक है, अभी थर्ड स्टेप क्या, पहले 3 का स्क्वायर लिखा, फिर 2 का स्क्वायर लिखा. थर्ड स्टेप में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 6 एंड देन मल्टीप्लाइड विद 2. 3 2 6 2 कितना हुआ, 12. राइट दिस 12. इस 12 को लिखना कहाँ है, एक डिजिट छोड़ के. यहाँ पे एक डिजिट दिख रहा है, इसको छोड़ के हमको यहाँ लिखना है 12. And then add these numbers, you will get 4, 0 plus 2, 2, 9 plus 1 is 10. Actually, अभी मैंने जो बताया तो आपको लगा होगा ये भी लंबा method है, but इसको जब हम practice कर लेंगे after 2 or 3 sums, you will be like, oh wow. See, let's take one more example, which is 43. 43 का square करते हैं. कैसे होगा 43 का square? Again, 4 का स्क्वायर सबसे पहले 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट हमको 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है, दैट इज 09. नाउ इन द थर्ड स्टेप क्या करना है हमको, 4 3 12, मल्टीप्लाई दीज 3, 4 3 12, 2 24, करेक्ट. तो 1 डिजिट छोड़ के आपको यहाँ पे, आपको 1 डिजिट छोड़ के लिखना है 4 3 12, 2 24, 4 यहाँ 2 यहाँ, क्योंकि 24 था. देन एड दीज कितना आ जाएगा, 9 4 8 1. ये स्टूडेंट्स यू कैन चेक, दिस इज योर आंसर. आर यू गेटिंग? ओके, लेट्स टेक द थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं. इफ वी से 78, ठीक है, लेट्स सी 78 क्या बनता है. 78 स्क्वायर है. नाउ अगेन फर्स्ट डिजिट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49. 8 स्क्वायर सबको पता है 64, करेक्ट. देन थर्ड स्टेप, तीन स्टेप में आंसर, 7 8 56, 56 2 इफ यू डू कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 56 2 कितना मिल जाएगा, 112, राइट. यू कैन डू 112, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो. एक डिजिट छोड़ के हमको लिखना है 211. Now add these. कितना आ जाएगा, 4 8 9 plus 1 10. Carry will be there. कितना, 6 0 8 4. Yes students, this is your answer. समझा आप लोगों को? Okay. So इस तरीके से we can find out the square of any number. Now आपको इन सब squares को तो find out करना आ जाएगा, लेकिन the basics is what I have seen many students. छोटे छोटे बच्चों को, 6th 7th के बच्चों को ये स्क्वायर्स याद नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर लाइक मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं मैम. बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड लर्न दीज. अच्छा, 11 से 20 तक इट्स वेरी इजी टू लर्न, बट यहाँ पे भी एक ट्रिक बता देती हूँ. देखिएगा, 21 का स्क्वायर तो सबको याद हो ही जाता है, राइट. आगे 25 का भी सबको हो ही जाता है. नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा, 484 इस, ये 484 आपको अगर याद होता है तो यहाँ पे जब मैं आती हूँ 28, देखिए
ये 784 है, ये 484 है. These are very similar. You can see, ये बहुत similar है. इनको एक साथ आप learn कर सकते हैं 484, 784. Then 23 का square आप जब learn करेंगे 529. This is just similar to 27 का square 729. You can see last two digits same आ रहे हैं, है ना? 84 यहाँ पे भी. Next 24 का square which is 576. ये किसके जैसा दिखता है? 676 जैसा, 7676, एक गैप छोड़ के. ये 25 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अभी ट्रिक में है. सो पूरी वीडियो देखेगा, ये अभी मैं बताने वाली हूँ कैसे शॉर्ट ट्रिक इसका. देन 21 का पेयरिंग होता है 29 के साथ. यू कैन सी 441841. ओके, एंड 30 का स्क्वायर तो एनीवन कैन फाइंड आउट. तो इस तरीके से आप लोग स्क्वायर्स याद कर सकते हैं. सो 30 तक स्क्वायर हमें याद होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक और वे इस तरीके से तो हम लोग कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अभी जब मुझे सपोज फाइंड आउट करना है 25 का स्क्वायर, एक तो मेथड ये की जो अभी मैंने सिखाया वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. एक और तरीका क्या है करने का, व्हाट वी कैन डू, जिसके पीछे 5 आता है, जिस डिजिट पे, जिस नंबर के एंड में 5 है, सो व्हाट वी कैन डू, 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिखा, करेक्ट? 5 स्क्वायर इज व्हाट, 25. देन यहाँ 2 दिख रहा है आपको, जो भी नंबर यहाँ दिख रहा है, जो भी डिजिट यहाँ दिख रही है, उसको उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 को मल्टीप्लाई किया उसकी नेक्स्ट डिजिट से, कितना मिला, 2 3 6 को यहाँ लिख देना. एंड ये स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर. यू कैन सी 25 स्क्वायर इज 625, करेक्ट? लेट्स टेक वन मोर, सपोज 55. ओके, क्या करना है, पीछे 5 है. डोंट थिंक एनी अदर मेथड, दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू डू दिस. 5 का स्क्वायर इज 25. 5 जो आगे नंबर है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 5 का नेक्स्ट डिजिट इज 6. 6 5 30. तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाता है. इसके थ्रू यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ लाइक 15 स्क्वायर, 25, 35, क्योंकि सबके पीछे क्या आ रहा है, 5, 45 एंड सो ऑन. लाइक यू कैन फाइंड आउट 95 स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.